Hello students, I am back with a new chapter as promised, and that new chapter is a respiration and circulation. One of the very important chapter of biology with a very high weightage. So without wasting any time, let's begin. So as usual, we'll begin the first with MCQs. Okay, which carries one mark each. The very first MCQ is in human respiration. मिकल एनर्जी इज रिलीज इन दिन भी देखने की जरूरत नहीं है केमिकल एनर्जी रिलीज कौन से फॉर्म में होती है ए टीपी के फॉर्म में ही होती है राइट सो दर्ड आंसर इज डी एन नंबर टू एलवियोला प्रोवाइड द सर्फेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन तो फूड नहीं हो सकता एंजाइम नहीं हो सकता हॉर्मोन्स नहीं हो सकता होगा सिर्फ क्या गैसेस राइट क्वेश्चन नंबर थ्री द मूवमेंट ऑफ अ डाइफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स आर द मसल्स ऑफ द लंग्स एंड केज हेल्प्स इन जब हम डायफ्राम और लंग्स की बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है रेस्पिरेशन question number 4 the volume of air that remains in the lungs after maximum respiration is 1100 to 1200 ml all right question number 5 is find out the example in which due to absence of respiratory pigment transport of respiratory gases does not takes place

क्वेश्चन सेवन द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ हार्ट हमेशा याद रहे सिस्टोल या सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ओके एस सी एस सी याद रखे तो यहां कॉन्ट्रैक्शन पूछा है तो वो क्या है सिस्टोल और डायस्टोल का मीनिंग क्या होता है रिलैक्सेशन ओके सो डी आर डॉक्टर इज इट डायस्टोल रिलैक्सेशन और एस सी कैसी, एस सी एस सी इज वस्टोल कॉन्ट्रैक्शन राइट देन द फ्री एजेस ऑफ कस्पिड आर टू पैपिलरी मसल्स ऑफ द हार्ट बाय फाइबर्स आर कॉल्ड कॉर्डेटेंडिने जो वॉल्व है उन वाल्व को मसल्स से अटैच करके कौन रखा हुआ है पकड़ के कॉर्डेटेंडिने ताकि जब चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो जो वाल है वो ना मार जाए ओके सो यार आंसर ये क्वेश्चन नाइन इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स द इिथ्रोपोइटिक टिश्यू इन एडल्ट इज मेनली फाउंड इन रेड मैरो ऑलराइट so we are done with MCQs let's start with a single sentence answer that carries again one mark each the question is name the cartilage which divides the nasal cavity into right and left nasal chamber मतलब जो नाक की हड्डी है जो नाक का cartilage जो है उसका नाम उसका नाम है मजिदथमॉइड cartilage थोड़ी इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दिया जाए क्योंकि वन मार्क का है सिर्फ एक ही वर्ड हमको लिखना है तो उसकी स्पेलिंग रॉन्ग ना होने पाए। फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस हमको पता है कि जो एपीग्लोटिस है वो क्या है द ओपनिंग ऑफ ए ट्रैकिया का फ्लैप उसको गार्ड करने वाला एपिग्लॉटिस है जिसके गार्डिंग के वजह से जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है सीधा फूड पाइप में जाता है विंड पाइप में नहीं जाता तो उसको विंड पाइप में जाने से कौन बचाता है एपिग्लॉटिस बचाता है क्वेश्चन नंबर थ्री टोटल लंग कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ही ये है जब आपने बहुत फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया मतलब जब आप योगा करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना लंबी सांस लीजिए गहरी सांस लीजिए तो आपने एकदम गहरी सांस ली है ना सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज वॉट द टोटल लंग कैपेसिटी एंड वॉट इज दैट कैपेसिटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड से लेके फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एम एल ऑल राइट

वेरी वेरी इजी डिफाइन हेमाटोलॉजी हेमेटोलॉजी इज नथिंग बट दस्ट डिटेल स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमाटोलॉजी क्वेश्चन सिक्स विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू पल्मनरी वेन्स देखो हालांकि वेन्स है पर हमने एक्सेप्शन पड़ा हुआ है के सारे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट pulmonary veins ke and same stands true for pulmonary artery as well in all the artery oxygenated blood flows except pulmonary artery so here the, your answer is oxygenated blood question 7 in between which layers of pericardium pericardial fluid is present so in a serous pericardium k जो दो लेयर है पेराइटल अपर पेराइटल एंड लोअर विसरल इन दो लेयर्स के बीच में लेर इज प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियल कार्डियल राइट क्वेश्चन नंबर एट इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन आर फाउंड इन ईच इरिथ्रोसाइट सो इट इज अप्रोक्सीमेटली टू सेवेंटी टू थ्री हंड्रेड मिलियन राइट आइडेंटिफाई ए फ्रॉम द फॉलोइंग ईसी जी और आपका ए कुछ ऐसा है ठीक है जो आपको पी डी एफ आया है उसमें सो दिस इज ई सी जी दिस इज अ पी वेव दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी सेम स्टैंड ट्रू फॉर यर ऑल्सो पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। सो दिस ये जो सबसे पार्ट है वो आर है और अगर ऐसा पूछा जाए कि ये एक आर से लेके दूसरे आर के बीच में इसे हम कहते हैं आर आर इंटरवल ऑल राइट देन एक और आपके पीडीएफ में एक जूजू जैसा डायग्राम दिया हुआ है

एंड हेल्डन इफेक्ट से वॉट इज बोर इफेक्ट ये स्टेटमेंट तो ठीक है पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये बोर इफेक्ट क्या है तो so, अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो बोर इफेक्ट इज वेर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इज़ सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ द ब्लड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बोर नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जैसे जैसे ब्लड में सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी ठीक है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड वाइस वर्सा ये जो एसिडिटी की बात कहां से हो रही है क्योंकि अभी हम आगे क्लोराइड शिफ्ट जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो आरबीसी में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है जिसके वजह से जो एसिडिटी है जो ब्लड का पीएच है वो क्या होता है घटता है मतलब वो क्या होता है एसिडिक होता है तो जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी ये है बोर इफेक्ट जो हेल्डन नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने बताया यही सेम कॉन्सेप्ट लेकिन बोलने का तरीका अलग है उन्होंने बोला हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू अनलोडिंग ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा जो CO2 टू है हेमोग्लोबिन की सीओ टू बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी घटेगी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बोर ने ऑक्सीजन बाइंडिंग के बारे में बताया और हेल्डन ने कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग के बारे में बताया ठीक है हेल्डन ने बोला ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग डिस्प्लेसेस डिस्प्लेसेस सीओ टू फ्रॉम हेमोग्लोबिन विच इंक्रीजेस द रिमूवल ऑफ सीओ टू ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वो सीओ टू को रिप्लेस करेगा और खुद बाइंड भरेगा ठीक है ये मैं आपको जब पीडीएफ आप लेंगे टेलीग्राम से तो उसमें आपको यहां पर हेल्डन इफेक्ट भी मिल जाएगा जो यहां पर मिसिंग है और राइट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Give any two effects of carbon monoxide poisoning See what is first of all carbon monoxide poisoning We know that Hemoglobin binds with oxygen to form oxyhemoglobin It binds with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin It also binds with the carbon monoxide to form, form carboxyhemoglobin And हेमोग्लोबिन टाइम्स मोर एफिनिटी टूवर्ड्स कार्बन मोनो ऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मतलब अगर उसको कार्बन मोनो ऑक्साइड रेडीली अवेलेबल मिलेगा तो वो ऑक्सीजन से बाइंड होने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा ठीक है और कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा जिसकी हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं है लेकिन हेमोग्लोबिन पूरा क्या हो जाएगा आ, पैक हो जाएगा ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा जिसके वजह से हमारे सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे एंड देन सेल्स विल स्टार्ट स्टारविंग सो व्हाट आर द इफेक्ट्स प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग ठीक है इट कैन ऑल्सो कॉज विजन लॉस And hearing loss. These are very simple examples which I have taken. There are many more drastic effects which could uh, which can be the reason of carbon monoxide poisoning. Okay. The next question: define intracellular transport and extracellular. Intra simply means under inside, extra simply means outside. Cell ke baha.

so that is the pigment found is hemoglobin and the enzyme found is atpase next question how a portal vein differs from normal vein see we know that a normal vein can collect the blood from any part of the body and which blood they will collect they will collect deoxygenated blood okay एंड कैन ड्रेन इट इंटू आइर सुपीरियर वेनाकावा या इन्फीरियर वैना कावा मतलब जो वेन्स पूरे बॉडी से ब्लड लेकर आ रहे हैं वो हार्ट के राइट right आटरे में ही जाएगा तो वो सुपीरियर वैनाकावा से जाए या इन्फीरियर वेनाकावा से जाए लेकिन जो हैपैटिक वेन है जो वेन लिवर से आ रही है उसमें भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है पर वो सिर्फ कहाँ का ब्लड है वो सिर्फ लिवर का गैस्ट्रो ट्रैक का है ना पैंक्रियाज से स्प्लिन से वो सिर्फ जी आई ट्रैक का क्या है वहां पर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये सीधा सीधा राइट आर्ट्रियम में एंट्री करेगा इनफीरियर कावा के थ्रू सो दिस इज द डिफरेंस इन पोर्टल वेन एंड नॉर्मल वेन क्या समझ में आया हेपैटिक वेन इज ओनली कंसर्न विद द लीवर वेर एज नॉर्मल वेन इज कंसर्न विद ऑफ दॉडी पार्ट एनी बॉडी पार्ट एंड हेपैटिक वेन का डिऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इन टू द हार्ट वाया इनफीरियर वेनाका वेर एज अ नॉर्मल वेन कैन एंटर इट इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेन फ्रॉम विच इट इज गेटिंग द डिऑक्सीजेड ब्लड अगर अपर पार्ट से ला रहा है तो सुपीरियर कावा से एंटर करेगा और इन लोअर पार्ट से ला रहा है तो इनफीरियर कावा से हार्ट में एंटर करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डायग्राम ऑफ़ ऑफ़ कंडक्टिंग सिस्टम अ ह्यूमन हार्ट लेबल एस ए नोड एंड बंडल ऑफ सी दिस इज द डायग्राम विच इज एक्सपेक्टेड इट इज आस्ट अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ओके तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जो ये ऐसे नोड है ऑल्सो नोन मेकर जो हार्ट को बीट करने के लिए करने के लिए वेव वेव कर रहता है ये वेव इजी ये इजीली लेफ्ट में राइट आर्ट्रियम है लेफ्ट आर्ट्रियम में इजीली वो पहुंच जाता है जिसके वजह से दोनों भी चेम्बर्स क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन नीचे के दोनों चेम्बर्स का क्या तो जो साइनो आर्ट्रियल नोड जो वेव जनरेट कर रहा है वो वेव इज रिसीव्ड बाय दिस दिसर नोड दैट इज एवी नोड और ये एवी नोड उसको रिसीव करके नीचे ये जो है ये बंडल ऑफ हिस में पास करता है और बंडल ऑफ हिस नेटवर्क बना के बारीक बारीक होके ये जो आ, आ, जो मसल्स है बीच में जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये जो हार्ट के मसल्स हैं इसमें वो जाता है बहुत ही फाइबर बारिक बारिक फाइबर बन के जिसको हम परकिंज़े फाइबर्स बोलते हैं और वो क्या कराता है इन दोनों ही चेंबर्स का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ठीक है तो ये है हमारा नोड ये है हमारा बंडल ऑफिस और यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम चल रहा है ओके देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थ्री मार्क्स क्वेश्चन The first very simple distinguish between inspiration and expiration नाम से हमको समझ में आ रहा है इन से अंदर एक्स से एक्सिट बाहर इंस्पीरेशन इज वॉट इनहलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू द लंग्स एंड एक्सपिरेशन इज वॉट एक्सालेशन दट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एयर और लिबरेटिंग एयर फ्रॉम द लंग्स इंस्पिरेशन के लिए थोरासिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एक्सपीरेशन थोड़ा कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस इंस्पिरेशन डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड यर डायफ्राम इज रिलैक्सड अगर कंफ्यूजन है तो दो मिनट का टाइम लो और एक्चुअल में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे ध्यान लगा के देखो कि सच में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है क्या? क्या क्या डिफरेंस आ रहा है ठीक है अगर फोकस करोगे तो दो पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हो इसमें लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट अ नोट ऑन हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स सी हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है हमको पता है कि एक हम लोग एक रिदम में ब्रीथिंग करते हैं एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन ठीक है जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा जो लंग है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है इन्फ्लेटेड मतलब कि फूल जाता है है ना एयर से क्या हो जाता है वो पूरा फूल जाता है लेकिन इतना भी नहीं फूलता कि वो क्या हो जाए बस्ट हो जाए तो उसको उसका एक जो उसका मैक्सिमम लिमिट है उस पर कौन मेंटेन करता है हेयरिंग ब्रूवर रिफ्लेक्स ओके okay. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ सो एज एयर लीव द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द लंग्स आर डिफ्लेटेड एक्सप्रेशन होने के बाद में लंग्स क्या हो गए डिफ्लेट हो गए मतलब पचक गए ठीक है सो so, जो द स्ट्रेच रिसेप्टर आर नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड स्ट्रेच रिसेप्टर कब स्टिमुलेटेड रहेंगे इंस्पिरेशन के दौरान एक्सप्रेशन के दौरान वो स्टिमुलेटेड नहीं रहेंगे है ना सो द इंस्पिरेटरी सेंटर इज अ नो लॉन्गर इनहिबिटेड एंड अस्पेशन जब एक्सपरेशन चल रहा है तो ये सेंटर इनहिबिटेड है जब ये चल रहा है तो ये सेंटर इनिबिटेड है. है ना तो जो ये हेरिंग ब्रूवर रिफ्लेक्स है इट इज अ रिफ्लेक्स ट्रिगर टू प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग पलमनरी स्ट्रेच रिसेप्ट प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ब्रोंकाय

हैम बर्गर खाने वाला बर्गर नहीं है ठीक है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पूरा का पूरा क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म हमको बताया क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म बोलो या हैम बर्गर फिनोमिना बोलो क्या है देखो मैं थोड़ी सी इसके लिए जगह लेती हूँ यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तीन तरीके से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज बाय डिजोल्विंग इन प्लाज्मा प्लाज्मा में डायरेक्टली डिफ्यूज होगा डिजोल्व होगा ऐसे सेवन परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा नेक्स्ट इज कार्ब हेमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाएगा ऐसे ये ट्वेंटी थ्री परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा और सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन बन के ये ट्रांसपोर्ट होगा कितना सेवेंटी परसेंट ठीक है तो ये टिश्यूज है ये प्लाज्मा है और यहाँ पर आर सी है ठीक है सी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यूज में प्रेजेंट है जहां से वो क्या हो रहा है जहां से वो क्या हो रहा है प्लाज्मा में एंटर हो रहा है प्लाज्मा से ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर हो रहा है और जैसा कि हमको पता है आर में वाटर भी प्रेजेंट है तो आर में एंटर करके वाटर की प्रेजेंटी में और एंजाइम कार्बोनिक हाइड्रेस कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंटी में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कार्बोनिक एसिड ठीक है ये पूरा का पूरा एक्शन रिवर्सिबल है क्या बनाएंगे कार्बोनिक एसिड दिस इज फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट होगा H प्लस आयन में और HCO3 सी थ्री नेगेटिव आयन में है हमारा बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन है ये ठीक है ये हाईली अनस्टेबल है ये क्या करेगा ये आरबीसी को छोड़ के कहां पर आ जाएगा फिर से प्लाज्मा में आ जाएगा अब जब ये प्लाज्मा में आ जाएगा तो प्लाज्मा में ऑलरेडी हमारे पास सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है लेकिन इसके आने के वजह से जो कि नेगेटिव है इस तरफ नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी है ना क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर यह सिचुएशन मेंटेन था सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मेंटेन रखा हुआ था लेकिन ये एच आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी एसिडिटी क्या होगी बढ़ेगी और जिसके वजह से जिसको मेंटेन करने के लिए क्लोरीन क्या हो जाएगा आरबीसी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ये क्लोरीन कहाँ चले गया आर के अंदर शिफ्ट हो गया अब जब ये शिफ्ट हो चुका है अब यहाँ पर बचता है सोडियम और बाइकार्बोनेट। तो ये बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये भी कहाँ पर जाएंगे ये मैंने जैसे बताया ये हाईली अनस्टेबल है ये, ये कहाँ पर है ये प्लाज्मा में है तो ये फिर से क्या करेंगे जब ये लंग्स के पास जाएंगे तो फिर से वहाँ पर जाते जाते ये सारे ही एक्शन रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल है ये फिर से क्या बन जाएंगे एच बन जाएंगे और डिसोसिएट हो जाएंगे एच और CO2 में और वहाँ से लंग्स से क्या हो जाएंगे ये एलवेली में चले जाएंगे और बाहर डिफ्यूज हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है यही है हेमबर्गर कॉन्सेप्ट या फिर इसको क्लोराइड आयन शिफ्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं गॉट इट ओके सो दिस क्लोराइड शिफ्ट वॉज पर्पजली फॉर मेंटेनिंग द आयोनिक बैलेंस देन देर इज अ चार्ट गिवन इन योर पी डी एफ क्वेश्चन नंबर फोर ड्रॉ द चार्ट ऑफ अ डबल सर्कुलेशन एंड लेबल ए बी सी एंड डी तो लेबल तो आप कर ही लोगे मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ दिस इज अ हार्ट ओके दिस दिस इज पार्ट इज द राइट हाफ दिस इज द लेफ्ट हाफ राइट हाफ ऑलवेज डील्स विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट हाफ ऑलवेज डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके सो these two are the superior chambers right atrium and left atrium these two are the inferior chambers the right ventricle and left ventricle these both are separated by each other by this wall this wall is nothing but the enter auricular septum and this is enter Ventricular septum. And this is auriculo -ventricular septum. मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है पूरा हार्ट के स्ट्रक्चर का तब वहां पर हम लोग तो वहां पे हम फिर से इसको रिपीट नहीं करेंगे है ना सो दिज आर द Walls. Okay, then the blood from the body, from the upper part of the body, deoxygenated from the upper part of the body is brought into the right atrium via superior vena cava and the deoxygenated blood from the lower part of the body is brought to the right atrium by inferior vena cava. Once this right atrium is filled with the blood, there is a valve which opens. That is bicuspid valve. Uh, sorry, tricuspid valve. These valve is open and this blood is a drain into this chamber called right ventricle. All right.

कैपिलरीज़ ऑफ लंग्स से यहाँ पे CO2 टू देकर यहाँ से ओ टू लेकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से एंटर होते हैं कहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट आर्ट्रियम में फिर से एक बार क्या हो चुका है ब्लड का एंट्री हो चुका है यहाँ पर फिर से एक वाल्व है का स्पीड वाल्व जो ओपन होगा और जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन होगा एंड दिस इज अगेन द थिकेस्ट चेंबर द लार्जेस्ट चेंबर और जब ये पंप होगा तो एओटा एओटा से ब्लड राइज होगा और पूरे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा सो दिस वाज़ द फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड देन राइट अ नोट ऑन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड सी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब कि जो ब्लड है वो अगर आपको कट लग जाता है इंजुरी हो जाती है सर्जरी होती है तो हम लोग ज्यादा ब्लड लॉस एफर्ड नहीं कर सकते जो ब्लड है वो क्या होना चाहिए गाढा गाढ़ा होना चाहिए जमना चाहिए रुकना चाहिए बहते ही नहीं रहना चाहिए है ना तो दैट फिनोमिना इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड सी First of all, the damaged tissue or the injured tissue will release thromboplastin. Okay. There are overall 12 factors. There are 12 factors that work in a repeated manner and bring about the interaction to complete this process of coagulation of blood so we'll go step by step so this thromboplastin helps in formation of a prothrombinase okay enzyme prothrombinase is what enzyme this enzyme prothrombinase converts prothrombin into active thrombin this Prothrombin is converted into active thrombin in the presence of a calcium ion. Then this thrombin converts soluble fibrinogen into insoluble fibrin. जहाँ पे कट लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही बारिक ऐसा जाली जैसा मैश जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो ये fibrin के थ्रेड्स बनाते हैं और जिसके बाहर जो ब्लड के सेल्स है वो इसको पार करके बाहर नहीं आ पाते हैं और ऐसे हमारा ब्लड क्या हो जाता है क्लॉट हो जाता है सो दिस इज द स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज टू टू एट मिनट इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हाइपर टेंशन एक्सप्लेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एंजाइना पैक्टोरिस सी हाइपर टेंशन इज नथिंग बट दाई ब्लड प्रेशर इट कैन लीड टू सीवियर हेल्थ कॉम्प्लीकेशंस ये बहुत ही कॉमन है आप अपने आस पास भी देखते होंगे बी पी बढ़ जाना ब्लड प्रेशर बढ़ जाना विच ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस स्ट्रोक एंड समेथ हाँ ना? मतलब arteries है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज नथिंग बट द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज मतलब कि जो आर्टरीज है आर्टरीज के वॉल पे क्या होना कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना ठीक है डिपोजिशन होना जिसके वजह से जो आर्टरीज है ये क्या होने लगती है नैरो होने लगती है और पहले जितने अमाउंट में ब्लड फ्लो हो पा रहा था उतने अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है द द थर्ड टर्म टू इज इज एंजाइना एंजाइना नथिंग बट चेस्ट पेन सारे हार्ट डिजॉर्डर का पहला स्टेप है चेस्ट पेन एंड दैट इज वॉट एंजाइना पैक्टोरिस इट अकर्स वेन द हार्ट मसल ड नॉट गेट एज मच ब्लड एज इट नीड्स देखो अगर ऐसे ब्लॉकेज वगैरह रहेंगे तो जितना ब्लड की जरूरत है उतना ब्लड तो पहुंच नहीं पाएगा ना जैसे कि आप कभी नोटिस करोगे अगर जब वन वे ट्रैफिक हो जाती है तो उतनी स्पीड से गाड़िया जा नहीं पाती है जितना वो टू वे में जाती रहती है, है ना ब्लॉकेज होने लगता है वहां पर पास तो होती है लेकिन बहुत मुश्किल से होती है दैट इज एंजॉइना

एंड पल्मोनरी ट्रंक रेस्पेक्टिवली जो अभी हमने पीछे देखा पूरा हार्ट का सिस्टम तो यहाँ जो राइट right वेंट्रिकल है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगे लंग्स में यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड भेज रहे हैं और यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है तो ये दोनों भी वेंट्रिकल्स क्या होंगे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये अपना जो मटेरियल है वो यहाँ फेंकेगा ये अपना मटेरियल यहां फेंकेगा तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब तो अपने अंदर का मटेरियल बाहर डम कर पाएंगे तो दैट इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ओके नाउ विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस एंड कैपिलरी देखो हमको ये पता है कि गैस एक्सचेंज के दौरान जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में आता है और सेम टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स में जाता है ठीक है ओके तो यहाँ पर जो एक्सचेंज चल रहा है वो एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच में चल रहा है अब ये जो एल्वियोली और कैपिलरी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन है बहुत ही इतने ज्यादा थिन मेम्ब्रेन है कि गैस इनके से डिफ्यूज कर जाता है ठीक है यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं जो ऑक्सीजन है देखो आपने पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट सुना होगा जब इन जो एलवियोली है एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू आर बी सी या ब्लड इसके लिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा यहाँ पर ज़्यादा है इट विल फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन राइट तो यहाँ पर ऑक्सीज एलवियोली uh, में इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन स्टोर्ड है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा है प्रेशर भी ज़्यादा है इसके लिए ऑक्सीजन एलवियोल से क्या होगा ब्लड में आर बी सी में डिफ्यूज़ होगा और सेम टाइम पे जो आर बी सी है आर बी सी के अंदर जो सी ओ टू है आर बी सी में सी ओ टू की मात्रा और उसका प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्वियोलस तो ये भी अपने रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होगा ठीक है तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है एल्वियोली के अंदर तो वो वहां से कहां पर आएगा आरबीसी में और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है आरबीसी में तो वो वहां से कहां पे शिफ्ट होगा एल्वियोली के अंदर तो इस तरह से क्या होंगे गैस के एक्सचेंज होंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट है यहाँ पे आपको उनका नाम बताना है और यहाँ पर उनका फंक्शन बताना है तो देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये कौन से ल्यूकोसाइट है मैंने आपके लिए ये पूरा चार्ट भी फिलअप कर दिया है तो आप इसको देख सकते हैं और नोट करने की ऐसा कुछ जल्दी नहीं है क्योंकि इसका पूरा पूरा जो है ये एज इट इज़ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक इस लेक्चर के नीचे दिया हुआ है ठीक है आई होप ये आपको समझ में आया ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग और भी फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून ऑन आर चैनल